नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यू में। आज बात होगी यूपी की राजनीति पर, क्योंकि इस समय चुनावी दौर है, सियासी माहौल है और गठबंधनों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी भी पूरी ताकत दिखा रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रैली कर पार्टी के पक्ष में माहौल को भुना रहे हैं। बुधवार को उन्होंने हाथरस और बुलंदशहर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया। जयंत ने दो टूक कहा कि कांग्रेस के साथ रालोद का गठबंधन नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि सपा के साथ गठबंधन को लेकर बात चल रही है, यानी कि आरएलडी और सपा का गठबंधन हो सकता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला। जयंत ने कहा कि सरकार के विरोध में बोलने वालों की आवाज को दबाने के लिए केंद्र सरकार गैर कानूनी गतिविधि लगातार कर रही है। जयंत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। जयंत आगे कहते हैं कि जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए था। ये बातें लगातार निकलती जा रही हैं, लेकिन गिरफ्तारी कहीं नहीं हो रही है। इसके बजाय उन्हें दिल्ली बुलाया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपने बगल में बिठाया। इसको लेकर लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन आज जो पूरा फोकस है वो है गठबंधन पर, जहां जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि वो सपा से गठबंधन को लेकर बात कर सकते हैं, बात चल भी रही है। तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस से सीधा किनारा कर लिया है। लेकिन जिस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आम आदमी पार्टी और सपा का भी गठबंधन हो सकता है, ऐसी सुगबुगाहट है। इसके अलावा सवाल यह है कि जब आम आदमी पार्टी सपा का गठबंधन होगा, आरएलडी और सपा का गठबंधन होगा, तो कांग्रेस का हाथ किसके साथ होगा? बीजेपी क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है या छोटे दल उसके साथ मिल सकते हैं? और बसपा क्या किसी दल को अपने साथ मिलाएगी या अकेले दम पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश आज इस चर्चा में करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये लाजमी है कि गठबंधन होंगे ही। पिछले साल अगर बात की जाए तो कोरोना काल में तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया और तब से लेकर अब तक एकजुट होता आया है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेर रहा है, चाहे वो कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो या फिर किसानों का मुद्दा हो। तो ऐसे में उम्मीद है कि कहीं आने वाले समय में ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ चुनावी प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी लगातार यात्राएं कर रही हैं, विजय यात्रा निकल चुकी है कानपुर से, और उसके बाद हमने देखा कि अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 400 से ज्यादा सीटें वो जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी की जनता को अब योगी सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। इसके अलावा बसपा की बात की जाए तो बसपा ब्राह्मणों को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, और जिस तरह से 2007 में वो सत्ता में आई थी उसी तर्ज पर एक बार फिर से 2022 की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लखीमपुर मामले को पूरी तरह से भुना रही है, और कहीं ना कहीं प्रियंका की एक मजबूत छवि जो है वो जरूर नजर आती है। आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी के जो सबसे ज्यादा कोर वोटर हैं वो हैं जाट, तो ऐसे में जाटों को पूरी तरह से साधा गया है। इसके साथ अगर वो अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यादव, मुस्लिम और जाट मिलजुल कर एक पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल अब बीजेपी पे अटका हुआ है। बीजेपी 4.5 सालों से सत्ता में है, बहुत ही कम समय बचा है अब कार्यकाल पूरे करने में, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग सरकार की उपलब्धियों से, सरकार के कामकाज से खुश हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सरकार के कामों से जनता खुश नहीं है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि 2022 में बीजेपी के लिए ये राह कितनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो लखीमपुर का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो,
या फिर इसके अलावा कानपुर के मुद्दे हों, गोरखपुर के मुद्दे हों, ये मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने देश भर की जनता की जो रुख है वो अपनी ओर खींचा है। इस वजह से सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर होती हुई नजर आ रही है। सरकार को फ्रंट फुट पर आना है, जिसको लेकर रैलियां भी की जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ तमाम जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हैं। आने वाले समय में और भी ऐसी रैलियां, संबोधन हमें देखने के लिए मिलेंगे, जब चुनाव प्रसार प्रसार जो है वो बहुत तेजी के साथ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती है कि मुख्य विपक्षी दल सपा अपने आप को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से पीछे हट गई है, वो भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए हो सकता है। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा एक बार फिर से सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगी हुई है। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी अब अपनी किस्मत आजमा रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा और आप की राहें फिलहाल जरूर जुदा हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के दावे लगभग एक जैसे हैं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दूं। वंदना सिंह प्रवक्ता हैं सपा से, विजय खेरा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी से, संदीप चौधरी प्रवक्ता हैं आरएलडी से, और हमाम वहीद प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहला सवाल वंदना जी, आप सपा प्रवक्ता हैं, आपके जो वादे हैं और आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं वो लगभग एक जैसे लग रहे हैं, कहीं आने वाले समय में दोनों पार्टियां एक होती हुई नजर तो नहीं आएंगी? अभी तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो आज देश के हालात हैं उसको लेते हुए विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हुआ है। आप देख ले, जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, जो हुआ है लखीमपुर में, जो हुआ है गोरखपुर में, रोज एक नई घटना सामने आ रही है और सारे विपक्ष ने उस पे आवाज उठाया है। सारे विपक्ष की आवाज यही है कि लोकतंत्र को खत्म ना किया जाए, लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस देश से। तो रहा सवाल कि आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, सपा क्या चाहती है और दूसरे विपक्षी पार्टियां क्या चाहती है, देखिए सबका गोल एक ही है। अब ये तो चुनाव है, इसमें किसके साथ क्या गठबंधन और साथ बैठती है ये तो आने वाला वक्त पता है, अभी से बोलना ये ठीक नहीं होगा। वंदना जी, शिवपाल यादव कहते हैं कि गठबंधन करने के लिए उनकी पहली पसंद सपा है, तो क्या अखिलेश यादव मान सकते हैं आने वाले समय में? देखिए क्यों नहीं मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में भी संभव है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो ये कहना कि क्या ये होगा क्या ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं आकर लगाया जा सकता। बिल्कुल वंदना जी, सही बात कही आपने, राजनीति में ना तो कोई दोस्त है ना ही कोई दुश्मन है, और वो जो लगातार नेता दूसरी पार्टी में जाते हैं, दल बदल की जो राजनीति है वो लगातार हम चुनावों में देखते ही हैं। संदीप चौधरी साहब, कल जयंत चौधरी हाथरस पहुंचे, वहां पर उन्होंने जनसभाएं की, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि वो कांग्रेस तो नहीं लेकिन सपा के साथ जरूर गठबंधन कर सकते हैं, बातचीत चल रही है। तो कांग्रेस को क्यों नहीं चुना गया, सपा ही क्यों? देखिए काजोल जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्रीमान जयंत चौधरी, वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, एक हमारी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, और जिस तरीके से आपने बताया समाजवादी पार्टी के साथ हमारा मुद्दों पे गठबंधन हो सकता है, हम दोनों साथ में आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके की दूसरी पार्टी और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, वो ऐसा गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल सकता है, और जिस तरीके से एक झूठे वादे करने वाली सरकार जो महिलाओं के लिए खतरनाक बन गई है, ऐसी सरकार आपने देखा होगा कुलदीप सेंगर ने महिलाओं के साथ किया, क्या चिन्मयानंद ने क्या किया, और ऐसे तमाम नेता बीजेपी के हैं जिसके साथ आप गठबंधन करना जा रहे। देखिए आप महिलाओं की बात आपने छेड़ी है, महिलाओं की बात आपने, संदीप जी एक बस एक बार सुन लीजिए,
बस एक बार सुन लीजिए, बताऊंगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने सबकी बात, चलिए करिए, मेरी बात पूरी, ठीक है, बात पूरी करिए। जिस तरीके से किसानों की जान ली जाती है, आपको मालूम होगा जब गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के लोनी के बीजेपी के विधायक सैकड़ों समर्थकों के साथ टिकैत साहब की हत्या करने के लिए जाते हैं, तो कई पूछा के कहते कि हमारे घबराने की जरूरत नहीं है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के किसान निकल के गाजीपुर पहुंचते हैं और टिकैत साहब की जान बचाने का काम करते हैं। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। उसके बाद आपने देखा करनाल के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हैं किसानों के सर फोड़ के किसानों की जान ले लें, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, वहां पर किसानों की जान कैसे चली जाती है। उसके बाद आपने देखा लखीमपुर खीरी वाला वारदात जो थी, किस तरीके से गाड़ियां चला दी जाती है, बीजेपी के तीसरे मंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, जिनके पास देश की प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है, उनका बेटी सुख दे रहा है, कुचल देता है। आपने तालिबान भी देखा होगा, ठीक है संदीप साहब, एक सेकंड सुन लीजिए, संदीप साहब एक मिनट सुन लीजिए, आप जिसे गठबंधन करने जा रहे हैं, कल ललितपुर से एक खबर सामने आई थी जिसमें एक मासूम नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसमें सपा के नेता का नाम शामिल है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं जिसे गठबंधन करने जा रहे हैं, वहां तो देख लीजिए। देखिए काजोल जी, मैं आपको बता दूं आज की तारीख में किसकी सरकार है, आप मुझे ये बताइए, जो ये किसान है क्या ये आतंकवादी हैं? जो इन किसानों को आज आतंकवादी कह सकते हैं, जो इन किसानों को आज खालिस्तानी कह सकते हैं, जो इन किसानों को आज नकली किसान कह सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता को नहीं, किसी भी पार्टी के नेता को आज बलात्कारी भी साबित कर सकते हैं। विजय खेरा साहब जवाब दीजिए, विजय खेरा साहब जवाब दीजिए। पता लगा दिया काजोल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। काजोल जी इतनी जल्दी उन्होंने ये पता लगा दिया समाजवादी पार्टी का नेता है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवाद किसान है, क्या चिन्मयानंद स्वामी को पकड़ पाए थे? चुप होंगे तो बोलूं मैं। देश के गृह मंत्री एक दागी को जो बिल्कुल, विजय खेरा साहब आपकी आवाज आ रही है, संदीप जी चुप हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। संदीप जी चुप हो गए, अब आप जवाब दीजिए, आपसे बहुत खफा है संदीप जी। अभी ये कह रहे हैं कि हम उनको नकली किसान कहते हैं, अब बताइए जहां खालिस्तान के झंडे लगे, जहां ट्रैक्टर से पुलिस इंस्पेक्टर को कुचलने की पूरी कोशिश की, जहां पर भारतीय झंडा का अपमान हो, लाल किले से झंडा उतार के फेंक दिया, संदीप जी आपकी बात सुनूंगी, बोलिए, मौत से वादी के नारे लगे यहाँ पर, उसके बाद महिलाएं रेप की शिकायत करें, तो आप बताइए, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, ये तो सब सामने है, आपके स्क्रीन पर है, फोटो पर आया, टीवी पे दिखाया गया, इसमें से मैंने कुछ अपनी तरफ से ना जोड़ा है ना घटाया, यही कह रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम ये जानते हैं कि 85% 90% किसानों के हित में ये बिल है, इसलिए हमने तो पीछे हटना नहीं है, ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, हम उन गरीबों को हक दिलवा के रहेंगे। विजय साहब ठीक है, ठीक है, मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ कि वो खालिस्तानी है, किसान खालिस्तानी है। एक बात बताइए, अगर किसान खालिस्तानी होते तो अब तक देश में क्या अलग अलग जगहों पर दंगे नहीं भड़क जाते? अगर खालिस्तानी होते, 10 महीने हो गए हैं, कोई 10 महीने कोई मामूली समय तो नहीं होता ना खेरा साहब? मैंने ये नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा आपके प्रवक्ता बोलते हैं, मैंने ये बोला कि इसमें खालिस्तानी शामिल हैं, मैंने ये कहा कि जो बड़े जागीरदार जमीन, एक सेकंड, जो बड़े जमींदार हैं, जागीरदार हैं, जिनकी 150 एकड़ जमीनें हैं, जो गरीब किसानों का हक छीनते हैं, उनका हिस्सा खाते हैं, वो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, और वो आंदोलन को बरगलाने में भी किसानों को सफल हो जाते हैं थोड़े बहुत, जिस तरह से वैक्सीन के मामले में नपुंसक कह के सपा पार्टी बरगलाने में कुछ सफल हो गई थी, बाद में सच सामने आ गया, आपके सामने ही अखिलेश यादव ने बोला था कि वैक्सीन
हम नहीं लगवाएंगे। और समाजवादी नेता ने बोला था कि नपुंसक बनाती है, बोला था ना, उसी तरह बरगलाने में वो शामिल हो गए, लेकिन बाद में हम सफलता हमको मिली। जो कांग्रेस 47 साल में एक वैक्सीन नहीं बना पाई वो हमने बना के दिखाई है। तो सत्ता में आप है तो वैक्सीन तो आप ही बनवाइएगा ना, सत्ता में तो आप ही है ना, कोरोना पहले नहीं आया था? हाँ नहीं, पहले पोलियो आया था आपकी जानकारी के लिए। हाँ, बता पोलियो आया था तो नहीं बना पाए तो सपा थोड़ी ना करेगी। 47 साल तक सुनिए ना, 47 साल तक नहीं बना पाए थे। पहले स्मॉल पॉक्स आया था, बीसीजी आया था, 27 साल तक नहीं बना पाए थे, और अभी तक हेपेटाइटिस की नहीं बना पाए थे। तो ये तो पहली वैक्सीन हिंदुस्तान में बनी और विश्व में सफल हुई है तुरंत, दुनिया के कंपटीशन के साथ साथ। बाकी दुनिया में पहले बनी और हम लोग बना पाए 25 साल के बाद 30 साल के बाद, हमने दुनिया के साथ साथ उसी दिन बना दी। खैर, मेरा कहने का मतलब इतना है कि ये बरगलाते हैं थोड़े दिनों के लिए, बाद में सामने आ जाता है सब। चलिए ठीक है, विजय साहब आपका रुख करूंगी, आपका रुख करूंगी, संदीप जी आपसे जवाब भी लूंगी। बहुत देर से हमाम वही साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमाम जी, कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, कोई गठबंधन करना नहीं चाह रहा है, इतनी भी उम्मीद आपसे नहीं है क्या किसी पार्टी को या किसी दल को? विश्वास जरा नहीं जता पा रहे हैं। हमाम साहब जी, हमाम साहब आवाज आ रही है मेरी? आवाज साफ नहीं आ रही है। हमाम साहब क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज स्लो आ रही है। चलिए ठीक है, हमाम साहब को मेरी आवाज कम आ रही है, हम दोबारा उनके पास जाएंगे। संदीप जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल काजोल जी, काजोल जी मैं ये कहना चाहता था कि जो अभी विजय जी बरगलाने की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं आजादी से अगर अब तक स्टार्ट करूं, आप लाल बहादुर शास्त्री हुए, उनके कोई एक बात बताइए जो बरगलाने की कोशिश की हो, चौधरी चरण सिंह उनकी एक बात बरगलाने की कोशिश की हो, चौधरी अजीत सिंह बताइए एक बात को बरगलाने की। संदीप साहब इतिहास छोड़िए ना, आज की बात करिए। मैं आज की बात कर रहा हूँ काजोल जी, हमारे जेंट्स चौधरी की एक बरगलाने वाली बात नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बरगलाने वाली बात कौन सी होती है। बरगलाने वाली बात जो होती है, देश में बेरोजगारी अब कम पर हो और देश का एक नेता है कहीं तोड़ तोड़ लोगों को अपना रोजगार दूंगा, देश का किसान भूख से मर रहा हो और देश का एक नेता है वो कि मैं तुम्हारी आय रोजगार कर दूंगा। बरगलाने वाली बात होती है तो मुझे स्मार्ट सिटी बता बता दूंगा। बरगलाने वाली बात होती है किसानों की आय दोगुना कर दूंगा। बरगलाने वाली बात होती है तो तुम बचाओ भी आय की बात करूंगा, लेकिन सिर्फ सिंह अध्यक्ष में आनंद करूंगा, मैं सैनी जैसे दूंगा जो ठीक है। ठीक है संदीप जी, हमाम साहब आवाज आ रही मेरी? हमाम साहब, कांग्रेस अकेली है, कोई दल गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, क्या वजह हो सकती है? आरएलडी ने भी साथ छोड़ दिया, आरएलडी कह रही है कि कांग्रेस का तो नहीं पता, हम सपा से गठबंधन करेंगे, अकेले ही नैया पार लगानी है इस बार तो। कांग्रेस पार्टी गांव गरीब नौजवान किसान की है, लगातार अगर किसी पार्टी ने विपक्ष पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी की अगुवाई में किया, हमारा गठबंधन जनता के साथ है। हम राजनीति करते हैं, जनता आई 2017 के बाद से दशकों से जनता के साथ गठबंधन था, कोई कमाल नहीं दिखा पाए, क्या इस 1.5-2 साल में कमाल दिख जाएगा वो जनता के साथ गठबंधन वाला? बिल्कुल, जनता ने देखा है कि 2017 के बाद जो किसान के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक लड़ने का काम किया, लगातार कांग्रेस के दौर में बनाए उनको बेचने का काम किया, एक भी इन लोगों ने पावर नहीं। सरकार है, पिछली सरकार है, एक बार सरकार आती है। हमाम साहब शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपकी आवाज ठीक तरीके से मेरे पास नहीं आ पा रही है। वंदना जी बहुत देर से चुप है, बहुत देर से सुन रही हैं। वंदना जी, सपा एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में,
सत्ता में भी रही और ये कहा कि हमने बहुत कुछ दिया। 2017 से पहले हमने तो प्रदेश को एकदम उत्तम प्रदेश बना दिया था। इस बार कौन से वादे कौन से दावे हैं जनता से, क्योंकि 300 जो यूनिट है फ्री बिजली देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, हमीरपुर पहुंचे तब उन्होंने कही, प्रलोभन देने शुरू हो गए हैं। पहले भी अगर आप सपा के 5 साल देखें, एक्सप्रेसवे किसने बनाया, अखिलेश यादव ने बनवाया था। जितना विकास उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव के कारण हुआ आप बता दें, उसके बाद भाजपा सरकार में क्या हुआ, उसी का दोबारा उद्घाटन हो जाता है। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी नहीं होता है, बस नाम बदले जाते हैं, दूसरा नामकरण होता है, उसके बाद फिर जो पहले से ही सड़कें खुली है जो भी है उसका दोबारा नामकरण हो जाता है। इसमें तो खैर ये माहिर है। और रहा सवाल फ्री बिजली का और क्या होगा, अगर वादा किया है तो वादा भी पूरा किया जाएगा। प्रलोभन क्यों, प्रलोभन क्यों, लोग प्रलोभन नहीं है। देखिए ये जब आप अपना बनाते हैं मैनिफेस्टो, उसमें आप रखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनको आप 1-2-3 करके पूरा करते हैं। और अगर बिजली में कहा है कंसेशन तो बिल्कुल मिलेगा। अभी तो यह हाल है कि कोयला ही नहीं है देश में, कह रहे हैं कि बिजली का उत्पादन कैसे होगा ना। अभी तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिल्ली में कहाँ से बिजली आएगी, यहाँ भी कटौती शुरू होने वाली है। तो आप ये बताएं, ये तो हालात हो गए हैं हमारे, किस तरफ हम जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, कितना विकास हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। वंदना जी परेशान है, किसी के पास नौकरियां नहीं है, सब परेशान घूम रहे हैं। ठीक है, फिर हम कह देते हैं कि अरे नहीं, देश तो बहुत आगे जा रहा है, हम विश्व गुरु हो रहे हैं। अरे कहाँ के गुरु हो रहे हैं, जरा आप बता देंगे। वो तो विजय खेरा साहब बताएंगे, अभी विजय खेरा साहब बताएंगे। वंदना जी एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा वादा अखिलेश यादव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा वहां पर किया हुआ है, 2 करोड़ की जनसंख्या, क्या हो सकता है ऐसा, मतलब सोचने में भी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है मुझे कि कैसा हो सकता है कि जो वादा किया है इसीलिए किया है कि क्या पूर्ण कर सकते हैं, उस वादा को पूर्ण करने के लिए कहा गया है। इतनी ज्यादा लंबे चौड़े भट्ट के वादे नहीं किए जा रहे हैं, जो हो सकता है वही। और आप ये भी देख रहे हैं जो गरीबी लाइन रेखा के नीचे है, पहले तो उसका उत्थान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हमारा इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसका हाल बेहाल हो रखा है। और सबसे ज्यादा यंग स्टेट जिसको कहते हैं, नौजवान उत्तर प्रदेश में रहता है, और नौकरियां नहीं है किसी के और पास। 2017 से पहले सारी भर्तियों में सिर्फ यादव के नौकरी के लिए खड़े होते हैं लाइन में। 2017 में सभी भर्तियों में सिर्फ यादव। वंदना जी 2017 से पहले जो भी भर्तियां हुई उसमें सब यादव, बड़े क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सब यादव। जरूरी नहीं है कि खाली यादव ही भर्ती किए जाएंगे, क्यों भाई, सब जाति सबको लेके आप चलेंगे, नहीं ये गलत है कि सिर्फ यादव ही होंगे और ये सब मुसलमान ही होंगे, सब होंगे, सब जाति के लोग। इस बार तो मुसलमानों को हाशिए पे रख दिया है सपा ने, मुसलमानों को तो जिक्र कहीं नहीं है किसी भी चुनावी जनसभा में, मुसलमानों के लिए कुछ सुन ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसा करते ही नहीं। चलिए ठीक है, तो मुसलमानों के लिए चलिए आप बताइए, वंदना जी बताइए कि मुसलमानों के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या खास रहेगा मुसलमानों के लिए। भाई मुसलमानों के लिए खास क्या रहेगा, वो भी तो माइनॉरिटी में आते हैं। हाँ, और जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, आपको उनको आश्वासन देना पड़ेगा कि वो भी इस देश के हिस्सा है और वो है, हमें आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का भी उतना ही हक है इस देश में जितना हम हिंदुओं का है। और जो मुसलमान यहाँ रहते हैं वो अपनी मर्जी से रहे हैं, कोई जबरदस्ती से नहीं रहे हैं, और उनको अभी वही अधिकार है जो हमारा है। ये जो तरह तरह के प्रोपोगंडा चलते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, मुसलमान को ये पता है, उनको अपने अधिकारों का बहुत अच्छे से ज्ञान है। ठीक है वंदना जी, खैरा साहब बहुत शिकायतें हैं आपसे, आपकी सरकार से, 4.5 सालों में आपने कुछ नहीं किया, विकास नहीं किया, रोजगार नहीं दिया,
स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, ये सभी लचर हैं आपकी सरकार में। 2017 से पहले सब कुछ बहुत अच्छा था। विकास क्या होता है, पहली बात तो देखने को मिल रही है। तो वो तो वन्ना जी बताएंगे ना, वन्ना जी बताएंगे कि विकास क्या होता है जहाँ पर, जिस देश में संदीप जी आपके पास लौटेंगे, खैरा साहब अपनी बात पूरी कर ले। जिस देश में 7 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था, उस देश में हमने चौगुना 28-30 किलोमीटर प्रतिदिन शुरू कर दिया। प्रमाण तो आपके सामने है ना, पूरे हिंदुस्तान में जोड़ दिया हमने। अभी ये बिजली की बात कर रहे थे, फ्री देंगे, पेड़ देंगे, तो बात की बात है। ये तो 12 घंटे 14 घंटे बिजली नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश में। 2 घंटे आई 4 घंटे आई, कब आएगी, कब चलेगी? वन्ना जी सुनते रहिएगा, बिजली का हाल ये है। खैरा साहब थोड़ा जोर से बोलिए, वन्ना जी नहीं सुन पा रही है, जवाब फिर कैसे देंगी वो? एक्चुअली क्या है, स्टूडियो समस्या है, उनकी बात मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मेरी वो नहीं सुन पा रही है, सच है, कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ जो आवाज बार बार गूंज जाती है। खैर मैं ये कह रहा हूँ, जो 12-15 घंटे बिजली नहीं दे सके 5 साल उत्तर प्रदेश को, वो मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। जिन्होंने लैपटॉप बांटे थे, वो लैपटॉप की घपले में भी पकड़े गए, सही लोगों तक लैपटॉप नहीं पहुंचे। दूसरी बात, इन्होंने इनके सामने शिक्षा की ये बात कर रहे, स्कूल में लोगों को माँ बाप ने कि लौट के आएगा या कोई उठा ले जाएगा, फ्रॉड की दे, क्या बोल रहे हैं, पड़ेगी हमें को। ये हालत हो गई थी, हफ्ता 2000 में घुसना मुश्किल हो गया था, उनके गुंडे आके रोजाना ले बोल नहीं रहे, वो जनता ने आपको सड़क पर इसीलिए किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अपराधों की दुनिया में आपके सामने सारे नेता आपके सामने है। 70 केस में आपका जो मुख्यमंत्री का नंबर 2 था वो आज जेल में है आपके सामने। हम थोड़ा कर रहे हैं, सरकारी जमीने किसने कब्जे की वो आपके सामने है। तो जहाँ तक सपा का सवाल है, ये बिजली भी चोरी करके देंगे सरकार की, नहीं बता सकते। नौकरी की ये बात कर रहे हैं, 4 लाख लोगों को नौकरी दे दी हमने, और हमने फेयर नौकरी देते हैं। हम वो नहीं करते कि इस जात को देंगे, उसको नहीं देंगे, आप जेल में चलेंगे। खैरा साहब ठीक है, आपका जो ज्यादा तो अभी भाजपा इनको दिखा देगी रास्ता। खैरा साहब आरोप प्रत्यारोप बहुत कर लिया आपने, भी अपनी उपलब्धियां बहुत बखूबी गिनाई है। जरा ये बता दीजिए कि महंगाई कब खत्म हो रही है? उत्तर प्रदेश में बहुत उज्ज्वला गैस सिलेंडर बांटे गए हैं, लेकिन वो सिलेंडर भरे कहां से जा रहे हैं? बात करें वो भी सुन लीजिएगा, वो भी ध्यान से जरा जी। 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को मुफ्त खाना और राशन दे रहे हैं हम एक साल पे, और इस दिवाली तक देने का वादा है। जब आर्थिक स्थिति कोरोना की वजह से खराब होगी तो मुफ्त में राशन आप दे रहे हैं, तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। बोलने दीजिए, एक मिनट नहीं, अब आप बोलने दीजिए, आपने प्रश्न किया उसके बाद जवाब देना बंद। ठीक है जवाब दे दीजिए, नंबर आएगा तो आप जवाब दे लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है, हमको जान बचाना है, प्रायोरिटी प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना पहले, उसके बाद देख खेंगे हम। हमने बचा के दिखा, 100 करोड़ वैक्सीन आज पूरी होने को है, जो ये कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, अगले साल भी नहीं हो पाएगा, अब क्या मोह रह गया इनका, जो कह रहे थे ये वैक्सीन बेकार है, नपुंसक बनाती लोगों को, फिर क्यों लगवा ली यूनियन में इनके लीडर ने, क्यों लगवा ली अखिलेश सिंह ने, क्यों लगवाई, जवाब दो। वो कह रहे थे मैं नहीं लगवाऊंगा, आपके पास कोई जवाब नहीं है इन बातों का, हिंदुस्तान ने सबसे अच्छा काम किया है। आप जवाब, आर्थिक स्थिति जो चरमरा गई, लोग घरों पर बैठ गए, नौकरियां छूट गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो राशन मुफ्त दे रहे हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सत्ता में आप है तो वैक्सीनेशन करवाया है, बहुत अच्छी बात है, हम भी इस पर गर्व करते हैं। भेजते उनको मरवा देते कोरोना से, ये काम सिर्फ सपा का। ऐसा किसने कहा कि देश को मरवा देते कोरोना से? जाने बचाई है,
इसी पे गर्व करते हैं कि हमने वैक्सीन इजाद की है, हम इसी पे गर्व करते हैं कि पूरी दुनिया हमसे वैक्सीन लेती है। आपने नकली वैक्सीन बोला था उसी को, आपने उसी को बोला जो वैक्सीन नपुंसक बनाती है। जब आप सुनते रहिएगा, क्या नहीं बोला था वैक्सीन घटिया है, राहुल गांधी ने बोला था यही वैक्सीन पूरी दुनिया हमसे खरीद रही है। हम आम साहब आप भी सुनिएगा, गर्व करो उस प्रधानमंत्री पे गर्व करो, वैक्सीन दुनिया खरीद रही है। ठीक है ठीक है खैरा साहब, ठीक है संदीप जी बोलिए। देखिए काजोल जी, दुख होता है मुझे कि इतनी बेशर्मी पैदा हो गई है हिंदुस्तान की राजनीति में, जो करोड़ों लोग राजनीति में आप भी हैं, मत बोलिएगा राजनीति में आप भी हैं, मत बोलिएगा 2014 के बाद संदीप जी, मत बोलिएगा राजनीति में आप भी हैं, आप भी एक प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं चर्चा में। मेरी मेरी बात सुनते हो लीजिए पहले, मैं ये कह रहा हूँ। आप बात ही ऐसी कर देते हैं कि बीच में मुझे बोलना पड़ता है। काजोल जी, राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है जो करोड़ों लोगों की जान चली गई कोरोना में, उसका अफसोस सही है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन कितना मदद कर रही है? आप कहां सो रही थी आपकी सरकार? इसी तरीके से आज किसानों के ऊपर बात हो रही है, मोदी ने बंगाल में करके दिखाया मुंह की खाई है, मोदी ने राजस्थान में करके दिखाया मुंह की खाई है, मोदी ने महाराष्ट्र में मुंह की खाई है, और मोदी उत्तर प्रदेश में मुंह की खाने के लिए तैयार है। आप हमारे किसानों को खालिस्तानी कहते रहिए, आप हमारे किसानों को नकली किसान कहते रहिए, क्योंकि आप व्यापारी लोग हैं। ये किसान प्रेम अचानक आरएलडी में कहां से जाग गया है? ये किसान प्रेम, ये किसान प्रेम बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आरएलडी में, क्या बात है? ये जो आपके तीन काले कानून है, ये किसानों की जमीन में फिर से कब्जाना चाहते हैं। आप आजादी के पहले कौन से कानून चाहते हैं? क्या साहूकारों ने हमें जिंदगी रखना हुआ था, हमें बंधुआ मजदूर बनाया हुआ था? मेरा सब हम लोग किसान समझते हैं, संदीप जी और कुछ बोलना है? काजोल जी मैं बताना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह ने इन लोगों के चंगुल से जमीन निकालकर किसानों को मजदूर को देने का काम किया था, लेकिन इनके अंदर वो टीस आज भी मौजूद है। ये चाहते हैं इस जमीन पर हमारा कब्जा हो, हमारा ये खून नेताओं का खून कौन पीता है? वो तो बेचारे किसान हैं जो मेहनत मजदूरी अभी भी कर रहे हैं खेतों में, लेकिन आपके किसान नेता तो सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो नेतृत्व होता है, चौधरी चरण सिंह ने नेतागिरी नहीं की, उन्होंने चौधरी चरण सिंह की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो आज के नेताओं की बात कर रही हूँ। अजीत सिंह ने नेता लेकिन अब किसानों का मुद्दा गरम है तो सबको हाथ सेकने हैं। देखिए काजोल जी, हम लोग जमीनी लोग हैं, अभी भी गांव में रहते हैं। आप ये अरे तो गांव में रहते हैं, जमीनी लोग हैं, इससे गांव का क्या? ये लोग अभी भी मस्जिद में बैठकर, हेलीकॉप्टर में बैठकर, हवाई जहाजों में बैठकर भी देख सकते हैं। ये लोग देख रहे हैं किसकी जमीन कब जाए, अडानी अंबानी की मां की जमीन कहां से आ गई, और किसी तरीके से खैरा साहब है ये लोग जमीन की खेत जो खड़ा है सकते हैं देख आप सोचिए। मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस से आज बना पाई, लेकिन एक मिनट अजीत सिंह की आप बात करते हैं, उस पर और भी सवाल है। संदीप जी रुक जाइए, वंदना जी कुछ कहना चाह रही हैं। वंदना जी, जी मैं मुझे निकलना पड़ेगा 2-5 मिनट में। मैं सिर्फ आखिरी में ये कहना चाहती हूँ, इन भाजपा से ये पूछ लीजिए कि ये सरकार में सत्ता में आए कैसे,
अगर किसान खालिस्तानी किसानों ने ही वोट दिया है, 80% उत्तर प्रदेश की आबादी किसान है, अब इनको पता चलेगा 22 में और 24 में पता चलेगा किसान खालिस्तानी था या किसान क्या था। जिस किसान के सहारे ये सत्ता में बैठे हुए हैं उसी किसान की बुराई करते हैं और फिर ये बात करते हैं किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, उससे ज्यादा क्या हो सकता है कानून की भद्रता, ये इनसे पूछ लें आप। और इतने दिनों पुलिस पे गाड़ी चलाई थी, पुलिस पर नहीं, पुलिस ने पकड़ा नहीं उनको, गृहराज मंत्री से इस्तीफा नहीं, पुलिस पर ट्रैक्टर चलाया था, पुलिस पर करते हैं अपनी अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिएगा मिस्टर खेड़ा, पता चल जाएगा 22 के इलेक्शन में और 24 में भी। शुक्रिया। चलिए वंदना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वंदना जी हमारे साथ सिर्फ आधे घंटे के लिए जुड़ी थी, बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ अगले आधे घंटे तक और जुड़े रहेंगे। खैरा साहब, बहुत सारे आरोप और बहुत सारे प्रश्न छोड़कर वंदना जी गई हैं, आपसे जवाब चाहूंगी। खैरा साहब, किसान आत्महत्या का एक रिकॉर्ड बता देता हूँ, पंजाब में 2018 से 20 तक 500, सुन लीजिए आप एक सेकंड, पंजाब में 2 साल में 570 किसानों ने आत्महत्या की है, उत्तर प्रदेश में 126 और आंध्र प्रदेश में 1000, महाराष्ट्र में 5000, 5000, 1000, 570 और 700 आपके सामने है। ये किसानों की हालत सुधार दी, बाकी 60-70 साल के बाद इनके शासन के बाद आज किसान फटे हाल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये किसानों के देसी बनने की बात कर रहे हैं, अरेली ने टी थे तो आज किसान क्यों नंगे पैर घूम रहा है और बदन घूम रहा है क्यों? अब हमने उसका जिम्मा लिया है, हम तो उसको पूरा करके रखेंगे। रोजाना गठबंधन बदलते हैं, कांग्रेस आए कांग्रेस को बर्बाद कर गए, 1998 में आपने सीटें ली थी, 9 कांग्रेस से 9 की 9 आप हार गए थे और कांग्रेस पूरी हार गई थी 76 की 76। आपका हाल है, जिसके साथ आप गठबंधन करते हैं उसे भी संघ में ले डूबते हैं, आपके लिए भी रहा आसान नहीं है खैरा साहब, दो चक्कर ही नहीं लगा पाता उसके पहले ही टूट जाती आप फिर। खैरा साहब, रहा तो आपके लिए भी आसान नहीं है 2022 की, ऐसा मत सोचिए कि पूरा प्रदेश बहुत खुश है। रिकॉर्ड दिखा दिया योगी का, रिकॉर्ड सिर्फ हिंदुस्तान में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है योगी जी का, और 3.5 करोड़ किसानों के खातों में सीधा पैसा गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गरीब किसानों को आप कभी 1 रुपया नहीं दे सके, हम उनको मंडी के चुंगल से बचाना चाहते हैं, ठीक है खैरा साहब, फंसा के गिद्ध की तरह उनका खून चूसते रहो। खैरा साहब आओगे आपके पास, और आप लोग जब भी चर्चा में आते हैं बहुत चुप रहते हैं, कांग्रेस इतना चुप रहेगी तो फिर कैसे अपनी जमीनी तलाशेगी? कांग्रेस पार्टी जनता खामोश नहीं रहती, आपने उनकी खामोशी देखी, सेलेक्टिव राजनीति, सेलेक्टिव राजनीति, ये आपको, ये आपको हैशटैग मिला है सेलेक्टिव राजनीति जी, हमाम साहब सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं आप, ये आपको नाम मिला है नया। हम किसी के आरोप पर किसी के आरोप से डरने वाले तो वृंदा को देखते हुए जो पार्टी है वो अगला भी जायज है, लेकिन जनता और अभी कोरोना काल में भारतीय जनता बखान कर रहे थे, मैं बताता चलूं कि जो जिस मनरेगा लगातार जिस वही कोरोना काल में पतन, और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी लखीमपुर को पूरा बनाने की कोशिश कर रही है और सोच रही है कि इसी की तर्ज पर बस 2022 फतह, इतना आसान है, इतना आसान है काम हुई और लग की बात है, जनता सब इतने करोड़ लोग बेरोजगार हो, यूपीए सरकार ने काम किया था, बाहर निकालने का काम किया, नोटबंदी और जीएसटी लॉकडाउन के चलते 27 रेखा के नीचे चला गया,
उज्ज्वला योजना की ये लोग दम भर तो ये दिया गया था, आज आज वो फिर मजबूर हो गई है। आप देखेंगे जितनी भी जनता ने देखा है, जनता को चलिए ठीक है अमाम साहब, ठीक है ठीक है। संदीप जी कांग्रेस जिस तरह से लगातार लखीमपुर मामले पर बनी हुई है, इस पूरे मामले पर लगातार एक्टिव नजर आ रही है, तो ऐसे में ज्यादा हितैषी तो कांग्रेस बन रही है किसानों की, तो फिर आप गठबंधन सपा से क्यों, कांग्रेस से क्यों नहीं? तो संदीप जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खरा साहब, यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही अनोखी है, पूरे देश की निगाह इस पर बनी रहती है। आने वाले समय में 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन बात सिर्फ यूपी पर हो रही है, यूपी में सियासत भी बहुत हो रही है। सबको यूपी आना है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, अपने ही गढ़ों में जाना है, चाहे अपने गढ़ में उनकी जमीन ना बची हो, लेकिन दूसरे गढ़ में सेंधमारी जरूर करनी है। खैरा साहब, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो आने वाले समय में 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस है और बीजेपी भी ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही कर रही है। 4.5 साल हो गए, बहुत काम किया, बहुत उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि 2022 बहुत आसान हो सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, क्योंकि अगर जमीनी स्तर पर आप जाएंगे तो वहां जनता कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो नाखुश है। चुनाव आसान कभी नहीं होता है, तो चुनाव में विपक्ष हमेशा सरकार के खिलाफ नीति तिकड़ में जोड़ता है, नई नई दुआएं फैलाता है, ये कोई नई चीज नहीं है। चाहे कोई भी हो विपक्ष में, तो हर प्रयास करता है कि सरकार के अच्छे कामों को ढक दिया जाए। सरकार ये कि जो सरकार में जो पार्टियाँ होती है वो कोशिश करती है कि उसके सही काम सामने आए। सवाल ये है, इतने सालों में जो चीज़ें नहीं हुई थी, हमने कई चीज़ें अभी गिनाई थी, वो मोदी राज में हो पाई है। अब और रफेल का ही बात ले ले एक सेकंड के लिए, अगर उदाहरण के तौर पर दे रहा अब बार बार खैरा साहब एक सेकंड खैरा साहब अब बार बार मोदी राज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी राज है, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा क्या 2022 का? राज तो मोदी जी का है पूरे हिंदुस्तान में जी, क्योंकि पार्टी राज करती है, कहलाता है कि पार्टी राज कर रही है। जो प्रधानमंत्री होता है वो विजन देता है, उस विजन को पूरा करने के लिए बाकी मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के लिए जो विजन था उनकी, जो दृष्टि थी, जो विकास के कार्य उनके सोच में थे, उन सब को अमली जामा पहनाने में योगी जी ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। दूसरे, इस बार पिछले कुछ वर्षों में ऐसे झंझावात से देश गुजरा है, हमने ही पूरे विश्व में ग्लोबल समस्याएं थी हैं, उन समस्याओं से भारत ने सैकड़ों देश से बेहतर स्थिति से निपटा है। अभी हम आपको एक उदाहरण दे रहे थे, 3.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधा पैसा बराबर जा रहा है। हमारा खाली जब तक कि किसान अपने पैर पर खड़ा नहीं होता, जो 85% आबादी है इस देश की, तब तक देश पूरे विश्व में नंबर एक पर भारतवर्ष नहीं पहुंच सकेगा। और यही कारण है कि हम पिछले 65 साल में पिछड़ गए, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसानों क्या जब भी सूखा पड़ा, ओलावृष्टि हुई या बाढ़ आ गई, फसल नष्ट हो गई, तो उनको अपनी जमीनें साहूकारों के गिरवी रखना पड़ी, लड़की की शादी के लिए या द्वारा फसल उगाने के लिए, बीज खरीदने के लिए। इस तरह जिनके पास 5 एकड़ जमीन थी, आज 1.5 एकड़ जमीन बची, 2 बीघा बची। उस स्थिति को संभालने के लिए ये कृषि बिल हम लाए हैं कि 65 साल में जो होगा वो अपना होने पाए। अब साहूकार उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा, नए बीज उनके पास, नई औद्योगिक नीति और नई औद्योगिक उपकरण आएंगे उनके पास। ये नीति के कारण ही अब हम सफल होने वाले हैं। योगी ने दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जनता जहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान थी आपराधिक तंत्र से, गुंडों से, माफिया राज से, चौथी वसूली हफ्ते से, पकड़ से, लोगों को उठा ले जाते थे तो पैसे मांगते थे,
उससे छुटकारा दिलाने का योगी जी ने जो काम किया है यही एक काफी है उनके लिए जीतने के लिए। तो सपा का देखिए खेरा साहब बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में प्रियंका गांधी आगे निकल जाए, क्योंकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, जनता का मूड कभी भी बदल सकता है। देखिए प्रियंका गांधी नेता है, उनके एक अच्छे परिवार और मशहूर परिवार की बेटी है, वो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बल्ब या वो बम फ्यूज हो चुका है तीन बार, अमेठी में अपने भाई को हरा के आ गई है, लोकसभा में 10% सीटें मिलके विपक्ष का इनको तो ऐसी हवा तो आपके दौर में भी चली थी ना खेरा साहब, उत्तर प्रदेश में इंचार्ज थी, प्रभारी थी उत्तर प्रदेश में, अभी वो फ्यूज हो गई। अब अगर उस पर भरोसा कर रहे हैं तो करें, ले जाए हमको कोई क्या इतराज है, ये जाने इनको, ये प्रियंका जी को ले जाए और ले जाए, चौथी बार देखेंगे। खेरा साहब ये जो आपने बात कही कि पिछली बार भी देखा है, कई सालों से देख रहे हैं, अमेठी में भी देख रहे हैं, तो ऐसी हवा तो बीजेपी के साथ भी हो चुकी है ना, तीन बार लगातार नेता तीन बार लगातार बुरी तरह फेल हो, मैं ये कह रहा हूँ। और मोदी जी का इतिहास का है, तीनों बार गुजरात में एक के बाद जीत के चले आए, हिंदुस्तान में आए तो लोकसभा में फिर द्वारा और अधिक सीटों से जीते, राफेल में इनने बदनाम करने की कोशिश की, नोटबंदी में बदनाम करने की कोशिश की, जीएसटी में बदनाम करने की कोशिश की, बहुत सब पर जनता ने बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है। चलिए बीजेपी को बहुत कॉन्फिडेंस है और अपने कामों पर भरोसा भी पूरा है। चलिए ठीक है हमाम साहब, बीजेपी तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है, लेकिन आप पर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी एक बार फिर से मैदान में उतर चुकी है, लेकिन आपको ऐसा लगता कि बहुत देरी हो गई है, सिर्फ एक साल या डेढ़ साल काफी है किसी चुनाव को जीतने के लिए, वो भी इतने बड़े सूबे का? कांग्रेस पहले दिन से श्रीमत, कौन सा पहला दिन, जरा तारीख बता दीजिए कब से शुरुआत हुई थी जमीनी स्तर पर उतरने की। आपने देखा होगा 2017 की मैं बात करूं, 2017 के भारतीय जनता के मुद्दे को भाजपा प्रवक्ता महोदय बार मैं बताता आपको चलूं, भारत की आर्थिक लागू होने के बाद लेकिन जो मीडियम क्लास के धाराशाही हो गए और जीते जा चुकी है, उसके बाद किया गया दी गई काम चलिए ठीक है अमाम साहब, ये बता दीजिए कांग्रेस क्या करने जा रही है जिसको लेकर जनता कांग्रेस की तरफ देखे, ऐसा क्या करेगी कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस जनता ने देखा, यूपीए पश्च में हमारी सरकार लगभग 10.5 जाने का काम किया था, मोदी 5 trillion इकोनॉमी बनाने साकार तो होना तो दूर की बात, आज सब लोग देख रहे हैं कि सरकार में नहीं। ठीक है अमाम साहब, ठीक है खेरा साहब आपसे आखिरी कमेंट, खेरा साहब क्या विजन है, अब क्या तैयारी है, क्योंकि पूरा रिपोर्ट कार्ड आपका तैयार है, 4.5 सालों का मैनिफेस्टो पूरा तैयार है, आगे हम देख रहे हैं कि और तैयारियां और अभियान की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, लेकिन जो जनता नाराज है, जो वर्ग नाराज है, उन्हें मनाने की कोशिश कैसे करेगी बीजेपी, आखिरी कमेंट आपका? देखिए हमारा कार्यकर्ता समर्पित है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमारे पास लंबी टीम है जो गाँव गाँव में काम करती है, उनके दुख समझती है और सरकार को बताती है, जो उनको समय समय पर दूर किया जाता है, उतनी तैयारी हमारे पास है, उतनी इनमें से किसी पार्टी के पास एक चौथाई भी नहीं है। जनता का जितना समर्थन हमारे लिए है, योगी जी जितने सफल मुख्यमंत्री हुए हैं वो सामने है जी। इनको शुरुआत करना है अभी, अगर यही प्रियंका गांधी 2-4 साल नहीं आई होती, एक पेज में चले जाते हैं, राहुल गांधी जिन किसानों के यहाँ गए थे सुप्रियो, उनके द्वारा कभी उन्होंने खोज खबर तक नहीं ली है, आगे अब यही वही राहुल गांधी प्रियंका गांधी की ये राजनीति है कि उससे दुगनी चौगनी घटनाएं राजस्थान में होती है तो उसको बचाते हैं, जहाँ पर 57 दलितों की मौत हुई है, कत्ल हुए, उसमें सिर्फ 8 पर FIR दर्ज हुई है राजस्थान में, 57 में से सिर्फ 8 पर, तो ये सो रहे हैं, ये चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसा होता रहे,
यहाँ पर एक केस लेके इतना शोर मचाने लगते हैं, इनका जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, लोग सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं सामने। हमाम साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए जी, कह रहे साहब हमाम साहब जल्दी से कंप्लीट करिएगा। बिल्कुल, राजस्थान की बात होती है, सरकार की कार्रवाई देखे के लीडर नड्डा जी, वो आज क्यों नहीं था? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश किसी निजान फॉरेंसिक जांच का बलात्कार हुआ ही नहीं, आपने कब कार्रवाई किया है? तो का गला घोट के आपके अधिकारी खड़े रहे, जैसा उत्तर प्रदेश में होता है वैसा राजस्थान में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं राजस्थान में और क्योंकि हमारे सर घटनाएं किसी भी दल में किसी भी सर क्राइम है, क्राइम होते रहेंगे हम। चलिए ठीक है अमाम साहब, ठीक है ठीक है। विजय खेरा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे यही इस चर्चा को खत्म करना है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बाकी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल चरम पर है। अखिलेश यादव फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली की बात करती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों साथ साथ हो सकते हैं। इसके अलावा आरएलडी और सपा का गठबंधन भी सामने आ रहा है। बीजेपी अपने आप में अकेले दम भरती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि वो अकेले काफ़ी हैं इस 2022 के चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन जीत का सहरा किसके सर सजेगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।